पाक अफगान सरहद तुरखम बिलाखिर 6 रोज़ बाद दो तरफा तिजारत और आमद रफ्त के लिए बाकायदा तौर पर खोल दी गई है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम के दरमियान तुरखम सरहद पर एक मीटिंग हुई, जिसमें फौरी तौर पर बॉर्डर के दोनों अतराफ पर फंसे मुसाफिरों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दे दी गई और आज अलल सुबह दो तरफा तिजारत के लिए भी बॉर्डर को खोल दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 6 रोज़ कबल एक अफगान शहरी मरीज के साथ बगैर सफरी दस्तावेज़ात के पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी हकाम ने वापस अफगानिस्तान भेज दिया, जिस पर अफगान सिक्योरिटी हुकाम मुश्तइल हो गए और उन्होंने एहतजाजन बॉर्डर को बंद कर दिया। कल इस हवाले से तुरखम सरहद पर मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला किया गया बॉर्डर के दोनों अतराफ पर फंसे हुए मुसाफिरों को फौरी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दे दी जाएगी और कल सुबह इस बॉर्डर को दो तरफा तिजारत के लिए भी खोल दी गई।